अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ शाहदरा पिकनिक पॉइंट। शाहदरा पिकनिक पॉइंट कहाँ पे पड़ता है? ये इस्लामाबाद का सबसे करीब तरीन पिकनिक पॉइंट है, जो बरी माम से थोड़ा आगे चल के मरी रोड से अंदर करके है। और यहाँ पे एक छोटा सा नाला आ रहा है और उसी नाले में यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए चेयर्स लगाई हुई हैं, पानी के अंदर जगह बनाई हुई है और टेबल भी लगाए हुए हैं। और यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं पिकनिक एंजॉय करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, वो यहाँ पानी में बैठ कर और उसको पानी को एंजॉय करते हैं। और ये शाहदरा पिकनिक पॉइंट किस तरह का है, कैसा है, ये सारा आपको आगे चल के वीडियो में दिखाता हूँ। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, इंशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी मज़ेदार वीडियो बनने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको शाहदरा पिकनिक पॉइंट में जो जो चीज़ें आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं और कैसे इंजॉय कर सकते हैं वो सारी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। लेट्स गो। ये यहाँ से पीछे वो जितना भी एरिया सारा आपको नज़र आ रहा है, ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पर पानी नाला आ रहा है और उस नाले में चेयर्स और टेबल लगा के पानी के बीच में यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने टूरिस्ट को इस तरह से फैसिलिटेट किया हुआ है। और यहाँ पे लोग पानी के अंदर बैठ के जो है ना वो एंजॉय करते हैं। कुछ लोग नहाते भी हैं नीचे और कुछ यहाँ पे बैठते हैं। अभी नीचे चल के आपको दिखाते हैं कि उधर किस तरह का ये सारा करीब से कैसा ये सेटअप लगता है। और यहाँ का रास्ता जो है ना वो उस तरफ से हम जाएँगे नीचे और नीचे जाके आपको ये सारा व्यू करवाते हैं इंशाल्लाह। ये यहाँ पे ये एरिया जितना भी है ये सारा पार्किंग है। इस तरफ बाइक पार्क कर सकते हैं आप, इस तरफ गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। और यहाँ से नीचे चल के जो नाला है सिटिंग एरिया वो इस तरफ नीचे है। नीचे चल के आपको दिखाता हूँ कि सिटिंग एरिया किस तरह का इन्होंने बनाया हुआ है। और इंतहाई मज़े का एरिया ये सारा, नीचे चेक करें माशाल्लाह ये सारा क्राउड बैठा हुआ है। यहाँ से हम उस तरफ जाएंगे सामने की तरफ इस पानी के बीच में से। ये यहाँ पे जितना भी एरिया है इधर ये नीचे सारा पानी है, ये सारा पानी है। और उस पानी में यहाँ के जो लोकल्स ने ना फैसिलिटेट किया हुआ है टूरिस्ट पिकनिक जो यहाँ पे पिकनिक के लिए आते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये चेयर्स भी लगाई हुई हैं और ये टेबल रखे हुए हैं। और नीचे आप ये चेक करें ये पानी है, पानी के अंदर ये जगह स्पॉट्स इस तरह की बनाई हुई है कि आपके पाँव पानी में हों और यहाँ पे चेयर्स लगा के बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं पानी को। और यहाँ पे इस तरफ के ऊपर रिफ्रेशमेंट के भी हैं, जहाँ पे पकोड़े समोसे और इस तरह की रिफ्रेशमेंट के लिए भी चीज़ें मिलती हैं वो वहाँ से आप लेके और यहाँ पे बैठ के अपना मील एंजॉय कर सकते हैं, रिफ्रेशमेंट एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पर पानी में नहा भी सकते हैं। अभी मैं नीचे चल के आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर कुछ लोग नहा भी रहे हैं। और ये पानी ठंडा है, थोड़ा ज़्यादा ही पानी है, उतना मतलब कम पानी नहीं है। पिछले अरसे में ये कभी कभी कम हो जाता है जब ज़्यादा गर्मी होती है, फिर अभी जो है ना वो पानी की मकदार काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। और ये इस्लामाबाद के इंतहाई करीब तरीन जो है ना पिकनिक स्पॉट है। और यहाँ पे लोगों को भी आप देख सकते हैं, वो पीछे तक जितने भी आपको जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो सारे के सारे यहाँ पर पिकनिक इन्जॉय करने के लिए आए हैं और सारे यहाँ पर बैठे हैं।
कि यहाँ पे जितना भी एरिया है ये सारा सिटिंग एरिया सब पिकनिक पिकनिक के लिए बनाया हुआ है। चेयर्स लगा के और यहाँ पे टेबल लगा के पानी के अंदर बैठने की जगह, यहाँ पे बैठ के टूरिस्ट जितने भी हैं वो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा एरिया, ये इस तरफ से जितना भी ये पीछे है यहाँ से ले कर आगे तक मैंने आपको सारा दिखाया, ये सारा एरिया जो है ना ये पिकनिक के लिए जगह बनाई हुई है। यहाँ पर पानी आ रहा है इस तरफ और पानी के बीच में ये चेयर्स और टेबल लगा के टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए जगह बनाई हुई है। और यहाँ पे आप अपना मील एंजॉय कर सकते हैं जो आप ले के आए हुए हैं, या यहाँ से चाय और समोसे पकोड़े यहाँ से ऑर्डर कर लें। ये यहाँ पे एक छोटी सी टक शॉप है, यहाँ से गोल गप्पे, लस्सी और समोसे पकोड़े कुछ इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। और पीछे ये भी है, ये भी एरिया जो है ये सारा एक टक शॉप का ही है, यहाँ से भी आपको कोल्ड ड्रिंक्स, समोसे पकोड़े और चाय वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल सकती हैं। और बेहतर यही है कि आप नीचे चेयर्स पे बैठते हैं, वहाँ पे ही आपको ये फैसिलिटेट कर देंगे, सारी सर्विसेज वहीं पे प्रोवाइड कर देंगे। ये शाहदरा पिकनिक पॉइंट पे यहाँ पे ये भाई हैं, ये यहाँ के इंतज़ाम देखते हैं सारे, इनसे भी बात करेंगे, ये आपको रास्ते के बारे में बताएँगे आप कहाँ से इस पिकनिक पॉइंट पर आ सकते हैं और ये पार्क जो है वो कब से कब तक खुली होती है ये पॉइंट जितना भी है, और यहाँ पे पार्किंग के क्या प्रोसीजर है और ये सारा सेटअप जो इन्होंने लगाए हुए हैं ये इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा भाई मुझे ये बताएं, ये पिकनिक, इस ये जो शाहदरा पिकनिक पॉइंट है, इस पॉइंट तक आने के लिए अगर इस्लामाबाद से आता है बंदा, पिंडी से आता है, लाहौर से आता है, तो किस जगह से इंटर हो सकता है, इसका एरिया रास्ता उसके बारे में थोड़ा सा बताएँ। सर ये पिंडी से आ रहे हैं या इस्लामाबाद से आप आ रहे हैं तो आपको ये मलपुर चौक से आगे ये शाहदरा स्टॉप मिलेगा जी, ठीक है। उस स्टॉप से आपने अंदर इंटर होना है, वो मेरे हाल में 5 से 7 मिनट की ड्राइव है उस रोड से, बाहर से अंदर तक 4 से 5 किलोमीटर ये अंदर बनता है, टोटल डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस बनता है जो वहाँ से ये मतलब 4 से 5 मिनट में मतलब बंदा आराम से इजीली आ सकता है, ठीक है। और लाहौर से आ रहे हैं तो वही फैजाबाद वाला रास्ता अख्तियार करते हुए मरी उसका मरी रोड पर आप चढ़ेंगे, सीधा आगे आके बाराकों से पहले जो आपने शाहदरा पिकनिक पॉइंट का बोर्ड लगा उससे इंटर हो जाएंगे अंदर, ठीक है। तो आप आके अंदर आ जाए, यहाँ पे पिकनिक पॉइंट बने हुए हैं, नीचे भी बने हैं, ऊपर भी पॉइंट बने हुए हैं और बेहतरीन इंतजाम रखे हुए हैं। अच्छा यहाँ पे ये जो पार्किंग है, ये पार्किंग अगर किसी के पास अपनी गाड़ी है या बाइक है तो वो गाड़ी का यहाँ पे चार्ज है, कोई चार्जेस हैं गाड़ी पार्क करने के या बाइक पार्क करने के पॉइंट पे? ये जो गाड़ी की पार्किंग है, पार्किंग फ्री है। अच्छा ये यहाँ पे पार्किंग फ्री है, पार्किंग यहाँ पे गाड़ी की और बाइक की दोनों की फ्री है, ठीक हो गया। और यहाँ पे नीचे ये जो नाला है, नाले के बीच में आपने ये जो सेटअप लगाए हुए फैसिलिटेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके क्या चार्जेस हैं? यहाँ पे टेबल और चेयर जो लगाए हुए पानी के अंदर, खाना पीना करने की सूरत में उसके अंदर 20% चार्ज किया जाता है हमारा, सर्विस चार्जेस जो बिल्कुल के हिसाब से चार्ज किया जाता है। अब एक बंदा छोटा मोटा खाना खा रहा उसके साथ होता है उसके ऊपर चार्जेस भी हो। अच्छा ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये जो नीचे चेयर्स आपने लगाई हुई है, अगर कोई आके पानी में एंजॉय करना चाह रहा है, उसने खाना पीना या कुछ इस तरह की चीज़ें आपसे नहीं ले रहा, सिर्फ पानी को एंजॉय कर रहा है, आपकी चेयर्स और टेबल यूज़ कर रहा है, आपकी स्पेस यूज़ कर रहा है, सर वो तो उसके उस सूरत में ये है कि वो अगर अपना खाना लेके आते हैं 1-2-3 घंटे के लिए बाउंड करते हैं, फिर उसी हिसाब से फिर उनको 300-400 रुपये की तरतीब बताई जाती है। अगर कोई बंदा नहीं भी देता तो फिर भी उसके साथ उसी तरह के इंतजाम किए जाते हैं कि यार उनको वो रिलीफ दी जाए ताकि वो लोग आएँ इन्जॉय करें आराम से पहुँचें, ये नहीं है कि मतलब कि उनको ऐसा बिहेवियर किया जाए कि उनके साथ खराबी पैदा हो। अच्छा मतलब ये कि अगर कोई आप यहाँ पे आके बैठता है अपना खाना खाता है आपकी स्पेस यूज़ करता है तो उस सूरत में जो 3-4 घंटे अगर वो ले लेता है, जाहिर सी बात है आपने भी यहाँ पे कुछ कमाना है, यहाँ पे ये सारा सेटअप जो लगाया हुआ है वो अर्निंग के लिए ही है, तो उस सूरत में आप उनसे उनको चार्ज करते हैं? सर वो कई दफ़ा होता है कि वो जो लोग बैठते हैं हमारे साथ खाना पीना, यहाँ से कुछ कोल्ड ड्रिंक ले ली, पकौड़े ले लिए, कुछ ऐसी चीज़ें ले ली, फिर वो सिस्टम उनको उसी तरह वापस उस हिसाब से चला जाता है, उसके ऊपर कोई ड्यूज नहीं चलते, कोई चार्जेज नहीं चलते। अच्छा अच्छा मतलब कि आप घंटा बैठे हैं, 1.5 घंटा बैठे हैं, 2 घंटे बैठे हैं, उसके लिए फिर वो कोई ड्यूज चार्जेज नहीं है। अच्छा वो चार्जेज खत्म हो जाते हैं, चीज़ हमारे साथ भी शेयर कर लिया, ठीक हो गया, मतलब आप उनकी बन गई है, सही हो गया, ठीक हो गया। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह
फिर मिलेंगे। अच्छा तो दोस्तों ये शदारा पिकनिक पॉइंट है, यहाँ पे जितने भी व्यूज़ थे, जो भी जितना एरिया था ये सारा आपके साथ शेयर किया, और यहाँ पे जो फैसिलिटेशन है वो भी आपके साथ शेयर की। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है अल मदीना रेस्टोरेंट के नाम से, और वहाँ उनके ऑनर जो है ये नसीर भाई, यहाँ के माशाल्लाह इंतहाई अच्छे और खुश अखलाक बंदे, ये लोगों को अच्छी तरह फैसिलिटेट करते हैं। इन्होंने हमारे लिए ये पकौड़े और चाय, ये सारा कुछ। आप भी जब यहाँ शदारा पिकनिक पॉइंट पे आएँ तो यहाँ पे इनका मील ज़रूर इंजॉय करें, और ये अच्छी क्वालिटी है, अच्छी चाय भी अच्छी है क्वेटा कैफे से रिलेटेड, और पकौड़े भी इनके अच्छे हैं, रिफ़्रेशमेंट भी अच्छी, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनके पास हैं। जब भी आप शदारा पिकनिक पॉइंट पे आएँ तो अल मदीना कैफ़े जो है इसको ज़रूर ट्राई करें। ये माशाल्लाह इंतहाई अच्छा है इनका सेटअप है, और जायका इनके पकौड़े और रिफ़्रेशमेंट जितनी भी है ये बहुत ज़बरदस्त और इंतहाई अच्छी है। अच्छा तो दोस्तों आपको ये शदारा पिकनिक पॉइंट के जितने भी व्यूज़ थे वो सारे आपके साथ शेयर किए, और यहाँ पे किस तरफ से आप आ सकते हैं और यहाँ पे आके क्या क्या इन्जॉयमेंट कर सकते हैं वो सारा आपके साथ शेयर किया, और यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट के हवाले से बताऊँ तो वो एक अल मदीना कैफ़े है, वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट का भी आपको दिखाया, उनके पास समोसे पकोड़े, और उनका ये जो नीचे सिटिंग एरिया या नीचे जो देख रहे हैं सारा सिटिंग एरिया ये सारा भी आपके साथ शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी मज़ेदार लगी होगी, शादरा पिकनिक पॉइंट के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।